आगे बढ़ते हैं। सोनिया गांधी को कांग्रेस संसदीय दल का अध्यक्ष चुन लिया गया है। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने संसद के सेंट्रल हॉल में पार्टी नेताओं की बैठक में सोनिया के नाम का प्रस्ताव रखा। गौरव गोगोई और तारिक अनवर ने इसका समर्थन किया। इससे पहले कांग्रेस वर्किंग कमेटी यानी CWC की बैठक हुई। इसमें कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष बनाए जाने का भी प्रस्ताव रखा गया था। CWC की मीटिंग दिल्ली के अशोका होटल में करीब 3 घंटे चली। राहुल गांधी को लोकसभा में विपक्ष का नेता बनाने के लिए पार्टी सांसदों ने एक प्रस्ताव भी पारित किया। इस पर राहुल ने कहा कि मुझे सोचने का वक्त दीजिए, यह पद पिछले 10 साल से खाली है। मल्लिकार्जुन खड़गे को आप इस वक्त देख रहे हैं तस्वीरों में। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कुछ देर पहले सोनिया गांधी अशोका होटल में ये बैठक हुई, जिसके बाद ये सारे अपडेट्स निकलकर सामने आ रहे हैं जो हम आपके सामने इस वक्त रख रहे हैं। क्या कहा कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने, वो भी सुन लेते हैं। तो बहुत बड़ी बात है, अच्छा है, हमारी लीडर फिर से CPP लीडर बनी और हमको मार्गदर्शन करते रहेगी, और इससे बड़ा क्या हो सकता है। जो इंसान पार्टी के लिए पूरी अपनी खुशियां छोड़कर पार्टी की सेवा कर रही है, तो इसलिए मैं तो उनको सैल्यूट करता हूँ। ऐसे उनके तकलीफात में भी उन्होंने अपने सब काम पीछे रखकर देश के लिए वो पूरी ताकत। कनिका कटियार मेरे सहयोगी इस वक्त मेरे साथ लाइव इस वक्त जुड़ गई हैं। कनिका, अशोका होटल में बैठक हुई जिसमें सारे फैसले लिए गए, एक एक करके विस्तार से क्या कौन से फैसले पहले लिए गए, बाद में क्या लिए गए, और राहुल गांधी ने जो वक्त मांगा है, कब तक का वक्त मांग लिया है उन्होंने? देखिए, बिल्कुल, आज कांग्रेस की 2 बड़ी बैठकें थी। दोपहर सुबह 11 बजे जो है CWC की बैठक अशोका होटल में हुई थी, जिसमें तमाम नेताओं ने और तमाम सांसदों ने ये बात रखी कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सोनिया गांधी के सामने कि राहुल गांधी को नेता प्रतिपक्ष जो है वो लोकसभा में होना चाहिए। हालांकि शुरुआत में अरविंद रेड्डी, जो कि मुख्यमंत्री हैं तेलंगाना के, उन्होंने ये प्रस्ताव रखा। उसके बाद तमाम नेताओं ने हाथ खड़े होकर ये कहा कि राहुल गांधी को हमारा नेता प्रतिपक्ष होना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से राहुल गांधी ने अपनी यात्रा की तमाम मुद्दों को उठाया है और राहुल गांधी एक सुनहरा चेहरा बनकर लगातार इस चुनाव में आगे रहे हैं, तो कांग्रेस चाहते हैं कि राहुल गांधी जो है नेता प्रतिपक्ष बने। हालांकि राहुल गांधी ने सभी को ये बोला है कि आपकी बातों का सम्मान करता हूं, लेकिन मुझे थोड़ा समय चाहिए आखिरकार फैसले के लिए। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे ने वहीं राहुल गांधी को बोला कि पार्टी के तमाम नेता चाहते हैं कि आप LOP बने, तो आप इस बारे में बिल्कुल सोचिएगा बिल्कुल। और मल्लिकार्जुन खड़गे ने हंसते हुए मुस्कुराते हुए ये भी बात रखी कि मैं पार्टी का अध्यक्ष हूं तो मैं फैसला कर सकता हूं, तो आप इस बारे में जरूर सोचिएगा। हालांकि तमाम नेता यही चाहते हैं कि राहुल गांधी जो है वो लोकसभा में LOP यानी कि नेता प्रतिपक्ष की भूमिका निभाए। इसके अलावा 2024 के परिणाम आने के बाद कांग्रेस पार्टी की पहली संसद दल की बैठक जो है वो अब से कुछ देर पहले पार्लियामेंट में हुई थी, संसद भवन में हुई थी, जहां पर सर्वसहमति से तमाम जो राज्यसभा के सांसद और लोकसभा के सांसद थे उन्होंने सर्वसहमति से संसदीय दल का नेता सोनिया गांधी को चुना है, जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे ने साफ तौर पे आपने सुनाया कि किस तरह से उन्होंने अपनी बातों को आगे रखते हुए कहा है कि ये पार्टी के लिए सौभाग्य की बात है, एक लंबे समय से सोनिया गांधी जो है संसदीय दल का नेता बनती आई है और एक बार फिर उनको सर्वसहमति से आज संसदीय दल का नेता चुना गया है। और वहीं उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि जिस तरह से वो लगातार पार्टी की कमान संभालती आई हैं, पार्टी के लिए फैसले करती आई हैं, और चाहे वो अध्यक्ष रहें चाहे वो कुछ भी रहें, लेकिन जिस तरह से वो पार्टी के लिए लड़ती आई हैं वो उनके लिए कहीं ना कहीं गर्व की बात है। तो आज की ये 2 बैठकें हैं, जिसमें पहली बैठक में राहुल गांधी के नाम का प्रस्ताव रखा गया, वहीं दूसरी बैठक जो संसद दल की बैठक हुई थी उसमें सोनिया गांधी को संसदीय दल का नेता जो है सर्वसहमति से चुना गया है। सर्वसम्मति चुना गया है और आगे किस तरीके के इसको लेकर बदलाव होते हैं वो देखना होगा। लेकिन इसके अलावा और कोई फैसला क्या कनिका आपकी नजर में आता है जो अहम हो कांग्रेस पार्टी को लेकर? देखिए, बिल्कुल, अगर हम अहम फैसले की बात करें तो साफ तौर पे अब जो बचा हुआ फैसला है वो राहुल गांधी को करना है, क्योंकि जब कांग्रेस पार्टी की बात आती है तो हम सबको पता है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी की परंपरा रही है कि जब भी गांधी परिवार के ऊपर कोई फैसले की बात आती है, चाहे वो राहुल गांधी हो, सोनिया गांधी हो या प्रियंका गांधी हो, तो परिवार हर फैसला करता है। हालांकि कांग्रेस पार्टी के तमाम सांसद तमाम नेता चाहते हैं कि नेता प्रतिपक्ष जो है वो राहुल गांधी को बनाया जाए और वो बने, लेकिन राहुल गांधी ने इस बात का जवाब देते हुए कहा है कि मुझे थोड़ा समय दीजिए, मैं इस बारे में जरूर सोचूंगा और फिर सोचकर बताऊंगा। तो कहीं ना
लगता है कांग्रेस पार्टी को अभी तय करना होगा कि नेता प्रतिपक्ष की भूमिका कौन निभाएगा, और राहुल गांधी को खुद तय करना होगा, बल्कि सोनिया गांधी क्योंकि संसद दल के नेता भी हैं वो और राहुल गांधी की मां भी हैं, तो कहीं ना कहीं अब उनको भी ये फैसला करना होगा। हालांकि ये बड़ी बात रहेगी इस फैसले में कि क्या पार्टी ने जिस तरह से मुखरता के साथ, एकजुटता के साथ राहुल गांधी का नाम प्रस्तावित किया है, राहुल गांधी अपने उस प्रस्ताव को स्वीकार करते हैं, क्या वो नेता प्रतिपक्ष की भूमिका निभाएंगे या उनकी ओर से कोई और नाम आगे आएगा। हालांकि हमारे सूत्र इस बात का दावा कर रहे हैं कि राहुल गांधी बहुत कन्विंस इस बात पर, और हो सकता है कनिका बनी रही है हमारे साथ। राहुल गांधी अगर फैसला लेते हैं तो एक बड़ा परिवर्तन रहेगा इस बार, लेकिन कांग्रेस के राज्यसभा सांसद इमरान प्रताप गढ़ी ने क्या कुछ कहा है सुन लेते हैं। मैं कांग्रेस के राज्यसभा सांसद इमरान प्रताप गढ़ी। सर, क्या और डिसीजन हुआ है आज? देखिए, आज CPP के चुनाव होना था और आदरणीय कांग्रेस अध्यक्ष जी ने इस पे प्रस्ताव रखा, सर्वसम्मति से पार्टी बाकी नेताओं ने उसका अनुमोदन किया, सोनिया जी का चेयर पर। और LOP पे कोई डिस्कशन? अभी LOP को लेके आज कोई डिस्कशन नहीं हुआ। अच्छा, उसके लिए अलग से बैठक। तो ये थे कांग्रेस के इमरान प्रताप गढ़ी, जिन्होंने बताया कि अभी LOP पे कोई डिस्कशन नहीं हुआ है, मगर सोनिया गांधी को वापस जो है CPP का चेयरपर्सन के तौर पर फिर से रीएलेक्ट कर लिया गया है। आनंद सिंह, नई दिल्ली।